जी तो दोस्तों आज का आए फैक्टनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड विंग के दस डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे देखेंगे कि विंग को हम किस किस सेंस में इंग्लिश में यूज़ करते हैं और इस पर्पस के लिए हम इंग्लिश में डिफ़रेंट सेंटेंसेस भी बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे ट्यूटोरियल कॉन्सेंट्रेशन से देखें क्योंकि फिर है एक एक्सरसाइज तो शुरू करते हैं जो अपना आज का इफेक्ट ना का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों विंग का सबसे कॉमन मीनिंग होता है पर के जिस तरह परिंदे के पर होते हैं तो यहां पे हमने कहा अ बर्ड टू विंग्स परिंदे के दो पर होते हैं इसके अलावा दोस्तों जहाजों में जो उसके साइड पे बाजू निकले होते हैं पर निकले होते हैं उनको भी विंग्स कहा जाता है जिस तरह हम कह सकते हैं कि जिस मैं यहाँ पे कह सकता हूँ द विंग्स ऑफ दिस या एबीसी बी एयरक्राफ्ट कोई भी एयरक्राफ्ट हो सकते हैं एबीसी बी एरोप्लेन एयरक्राफ्ट आर वेरी लाइट के जो ए बी सी जहाज के पर हैं वो बहुत हल्के हैं विंग्स ऑफ ए बी सी एयरक्राफ्ट आर वेरी लाइट इसके अलावा दोस्तों विंग के नाउन ये हम सारे नाउन के ही मीनिंग्स को यूज़ कर कर रहे हैं और सीख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जिस तब गवर्नमेंट्स की गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं या बहुत बड़ी कोई कंपनी होती है तो और उसमें डिफरेंट बिल्डिंग्स होती हैं तो उनको भी विंग कहा जाता है जिससे एक मेन बिल्डिंग है उसके साथ बाईं तरफ एक और बिल्डिंग है तो उसको लेफ्ट विंग कहा जाएगा स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी कहते हैं कि यार आप राइट right विंग पे चले जाएं यानी कि आप राइट right साइड वाली बिल्डिंग पे चले जाएं तो या कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसका राइट right विंग है लेफ़्ट विंग है तो उसमें भी हम लेफ़्ट पार्ट को लेफ़्ट विंग कहेंगे राइट right पार्ट को राइट right विंग कहेंगे बड़ी बिल्डिंग उसके साथ छोटे छोटे हिस्से तो उनको विंग्स कहा जाता है जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लेट्स सपोज बायोलॉजी डिपार्टमेंट इज़ इन द लेफ्ट विंग कि भाई बायोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है हयातियात का जो यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट है वो लेफ़्ट वाली छोटी बिल्डिंग में है इसके अलावा दोस्तों जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो उसमें भी हम सुनते हैं कि यार ये राइट विंग की पार्टी है ये लेफ्ट विंग की पार्टी है तो जो पार्टीज़ के अपने ए, क्या कहते हैं ए, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर वो इलेक्शन लड़ती हैं जो उनका एजेंडा होता है उस वजह से उनको डिफरेंट विंग्स की पार्टी कहा जाता है लेफ्ट विंग राइट विंग लेफ्टिस्ट राइटिस्ट वगैरह तो उनको भी विंग्स कहा, कहा जाता है जिसका हम कह सकते हैं कि लेट सपोज कि ए बी सी इज आ रिंग पार्टी कि भाई ए बी सी जो है वो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी पोलि

कहा जाता है कि यार ये लेफ्ट विंग की टिकट टिकट्स फिफ्टी रुपीज़ की हैं राइट विंग की सेवेंटी रुपीज़ की हैं और जो सेंटर की टिकट्स हैं वो हंड्रेड रुपीज़ की हैं क्योंकि वहाँ से सही नज़र आएगा तो यहाँ पे भी लेफ़्ट और राइट की साइड्स को हम विंग्स कहा जाता है थिएटर्स में रेसलिंग के मैचेस जो होते हैं बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हॉल्स में भी आप जब टिकट्स लेते हैं तो वहाँ पे लिखा होगा कि लेफ्ट विंग का है राइट विंग का है टिकट, मिडिल का है सामने का है पीछे का है तो उस वक्त भी आप विंग को यूज़ करते हैं इसके अलावा दोस्तों आ, आपने देखा होगा कि, कि जो रग्बी खेली जाती है रग्बी तो उसमें भी जो डिफरेंट लेफ्ट साइड के साइड होती है उसे लेफ्ट विंग कहा जाता है राइट साइड को राइट विंग कहा जाता है हॉकी में लेफ्ट विंग राइट विंग प्लेयर्स होते हैं जो लेफ्ट साइड पे खेल रहा होता है वो लेफ्ट विंग uh, पे खेल रहा होता है जो राइट right साइड पे खेल रहा होता है बिल्कुल से राइट right विंग कहा जाता है इसी तरह सेंटर फॉरवर्ड वगैरह होते हैं तो उसमें भी हम विंग्स को यूज करते हैं इसके अलावा दोस्तों फोर्स वगैरह में भी विंग एक ग्रुप को कहा जाता है जिसमें से बहुत ज़्यादा स्क्वाड्रन्स आ जाएँ तो उसको भी उस यूनिट को विंग कहा जाता है और उसी से निकला है विंग कमांडर यानी कि वो डिफरेंट स्क्वाड्स का जो कमांडर होता है फिर उसको विंग कमांडर कहा जाता है दोस्तों इसके अलावा विंग को हम वर्ब के तौर पे भी यूज करते हैं जिस मैं कह सकता हूं कि कोई चीज जो परों पर उड़ती है तो उसको विंग कहा जाएगा जिस तरह कोई एयरक्राफ्ट उड़ रहा है एरोप्लेन उड़ रहा है तो हम कहेंगे कि द एयर प्लेन इज विंगिंग द एयर प्लेन इज विंगिंग कि भई एयरप्लेन परों पे उड़ रहा है तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं द एयर प्लेन इज विंगिंग इसके अलावा दोस्तों आ, आपने देखा होगा कि, कि ए, कहा जाता है कि जब जहाज़ उड़ते हैं तो परिंदे अगर जहाज़ से टकरा जाएं तो वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है तो जो एयरपोर्ट्स पर फिर वो बर्ड्स को सिर्फ परों का निशाना लेते हैं ताकि वो मरे ना तो उसको भी विंगिंग कहा जाता है तो उस वक्त भी हम विंग का वर्ड यूज़ करते हैं जब हम बर्ड्स को डिसेबल करने के लिए एयरपोर्ट्स के आसपास उनको मारते नहीं हैं बल्कि उनको इस तरह मारा जाता है कि उनके पर पे लग जाए और नीचे गिर जाए तो उसको भी विंग कहा जाता है दोस्तों उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड विंग के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का तो एक्सरसाइज़ के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड विंग को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है उसे नीचे दे गए कॉमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हमें से कोई पॉइंट आउट कर देगा वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें वीडियो को शेयर करें और आई फैक्ट के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई नई वीडियो नोटिफिकेशंस मिलती रहें मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में अंटिल देन टेक केयर कीप लर्निंग कीप इंजॉइंग गुड डे